हेलो दोस्त, आज देखिए लेकर के आए हैं हम आपके लिए ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड को देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये है सन, और सन में बहुत सारे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसमें बाहरी जो है आपको चार ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह, और इधर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को कहते हैं बाह्य। अब इसमें देखिए कि सन जो है इसका नाम है मरकरी, इसका शुक्र वीनस, और पृथ्वी को और मंगल को कहते हैं मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को कहते हैं सैटर्न, अरुण को कहते हैं यूरेनस, और वरुण को कहते हैं नेपच्यून। अब देखिए इसमें है क्या कि सबसे पहले सूरज को हम देखेंगे। तो सूरज के आंतरिक जो है टेम्परेचर है 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस है, उसका सतह का है 6 डिग्री, और उसमें कुछ कुछ जो पार्ट कहीं है बाहरी का जो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब वहीं पे इसको हम देखेंगे कि आपका जो है से उपसौर या ऑफसौर क्या होता है। तो उपसौर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये जो है दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर, इसको कहते हैं पेरिहेलियम, इसी को हिंदी में कहते हैं उपसौर। इसको 8 मिनट 16 सेकंड लगता है 3 जनवरी को। वहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के इस दूरी को पृथ्वी तक संख्या ये 15.20 करोड़ किलोमीटर है, इसको ऑफसोर कहते हैं, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एपिहेलियम, ये 8 मिनट 20 सेकंड लगता है इसको। अब इसी के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ देखिए कि माइकल जो धरती को चलता है इतना माइकल, या इसको कहते हैं जो पानी में चलता है, पानी में दूरी को नापते हैं तो नॉटिकल मील कहते हैं। ये एक होता है खगोलीय इकाई जो 8 प्रकार वर्ष मिनट में होता है। अब यहीं पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं इसको। अब देखिए प्रकाश वर्ष बराबर 1 वर्ष में प्रकाश की चली गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। अब देखिए थोड़ा सा आता है कि क्षुद्र ग्रह उल्का और उल्का पिंड क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ मान लीजिए ये देखिए ये है आपका क्षुद्र और यहाँ आपका पृथ्वी। यहाँ से जो ग्रह जो यहाँ से टूटता है टूटती है आने के कारण क्या होता है उल्का, और यहीं पे आकर और इसको आगे बढ़ता है, इसमें घर्षण होते हैं, घर्षण से वो जो आप ग्रह जो है जलने लगते हैं और उसको कहते हैं उल्का पिंड। और उसी से देखते हैं कि आप यहाँ से जितना भी इसको ग्रह खुद रहे हैं कि ना धूल कान या जो है से आपका बर्फ जो है से यहाँ पे जमा हुआ है, अब इसी में टकरा करके जो निकलता है और इस तरह से पूछ बन जाता है, उसको कहते हैं पूछ तारा और धूम केतु। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।